ओम शांति। डिले इज डेंजर, देर करना बाबा कह रहे हैं खतरनाक है। और आज की मुरली भी इसी चीज़ पर है। आज हम लोग 5 नवंबर 1970 की बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं और आज की मुरली का हेडिंग ही है डिले इज डेंजर। बाबा ने एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले की मुरली में भी दिया था और आज भी दे रहे हैं कि जब कोई फ़ोटोग्राफ निकालते हैं, कोई फ़ोटोग्राफ की शूटिंग हो रही है, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्लिक करवा रहे हैं, तो उस समय स्टेबल रहना इसेंशियल है। बाबा ने विनाश काल को सामने रखते हुए कहा कि उस समय साक्षात्कार का पार्ट प्रैक्टिकली इस दुनिया में चल रहा होगा। जैसे कितने आसानी से ये मान लेते हैं ना कि मीरा को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, वास्तविक रूप में हुआ था। तो साक्षात्कार एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या, ना तो कोई प्रोजेक्टर डिमांड करता है ना, बस ना कोई लाइट, ना कोई फिजिकल चीज़, इट इज़ एब्सोल्युटली सुपर नेचुरल, है ना। एक है नेचुरल और एक है सुपर नेचुरल, सो इट इज़ जस्ट सुपर नेचुरल, जिसकी पावर, जिसकी चाबी परमात्मा के पास ही है। और द्वापर युग से बाबा का साक्षात्कार का पार्ट स्टार्ट हो जाता है भक्ति काल से, जैसी जिसकी भावना के आधार पर उन्हें साक्षात्कार होता है। तो अंत काल में भी साक्षात्कार का पार्ट प्रैक्टिकली इस धर्मराजपुरी में प्ले होगा। बाबा ने वही याद दिलाया कि साक्षात्कार मूर्त अर्थात संपूर्ण मूर्त, संपूर्ण, फुल, 100%। अगर उस 100% के हिसाब से आंकेंगे तो सारा अहंकार, सारा अहम अपने आप भस्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि वास्तविक अचीवमेंट एक मनुष्य आत्मा होने के नाते यही है कि हम अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करें, अपनी रियल ओरिजिनल क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ को प्राप्त करें। एंड नो अदर नॉलेज इन दिस वर्ल्ड कैन प्रोवाइड दैट एक्सेप्ट द नॉलेज ऑफ शिव बाबा। बाबा कहते हैं एक एक सेकंड इस पुरुषोत्तम संगम युग का, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम युग पर हम आत्माओं का फोटो निकलता है ड्रामा रूपी कैमरे में। तो बाबा ने कहा जैसे वहाँ फोटोग्राफ खिंचाते वक्त अलर्ट रहते हो, ऐसे अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो, अपना ध्यान रखो कि ड्रामा के कैमरे में फ़ोटो क्लिक हो रही है, उसको विस्मृत नहीं होने देना। बाबा कहते हैं कि संपूर्णता में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है हम लोगों का, तो बाबा ने क्लियर शब्द में कहा कि व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ का खाता इतना ज़्यादा है कि वो संपूर्ण और समर्थ बनने में विघ्न बनता है। तो बाबा ने युक्ति भी बताई कि अगर व्यर्थ को सच में ख़त्म करना है, वेस्ट थॉट को चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट की डायरी रखना। रिलेट बाबा ने ऐसे किया जैसे दुनिया में कोई बहुत बिजी सक्सेसफुल व्यक्ति होता है तो उसके पास कहते हैं फालतू बातों का कोई टाइम नहीं है, उसके पास चेकिंग है, उसके पास स्केड्यूल है कि उसको कौन कौन सा काम आज कंप्लीट करना है, उस काम को लेकर के अलर्ट और अटेंटिव है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुम भी तो बड़े ते बड़े, तुम सबसे ऊँचते ऊँच हो ना। ये ज्ञान, बाबा कहते हैं ना ज्ञान रत्नों से खेलने वाली बात। तो खुशी बाबा को याद हम करें, उस परम सीमा पर पहुँचें, तब हमें आनंद हो, तब खुशी हो, ये तो फिर हमारी खुशी में एक और लिमिटेशन बांधने की बात आ गई। बात हुई थी अनकंडीशनल हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस इसी बात का हो कि हमें ये ज्ञान प्राप्त है, एक्चुअल खुशी इसी चीज़ की होनी चाहिए। क्योंकि खुशी धन से होती है, वेल्थ से, यानी प्राप्ति से, संपत्ति से। तो इस ज्ञान का अहमियत हम जितना अपने जीवन में लाएंगे, अहम ना ला करके जितनी अहमियत लाएंगे, इम्पोर्टेंस लाएंगे, उतना हमें खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, इंट्रोवर्ट हों, आइसोलेटेड भी हों पूरी दुनिया से बुद्धि रूप से, तो भी हमें संतुष्ट मणि की फीलिंग होगी जब बुद्धि रूपी झोली एकदम भरपूर रहेगी इस ज्ञान की वैल्यू के साथ कि भाई 84 के चक्र के बारे में वास्तविक रूप में लोगों को नहीं पता। वास्तव में लोग इस अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं कि वो शरीर हैं, है ना, कि अलग अलग स्पीशीज़ में भी जन्म लेते हैं। परमात्मा का सत्य ज्ञान ना होने के कारण कितनी लंबी लंबी लाइंस में खड़े होते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त होना, यूनिवर्सल नॉलेज प्राप्त होना,
ब्रह्मांड के गुप्त सीक्रेट्स का प्राप्त होना, ये खुद में एक खुशी और ऑनर की बात है। और जब खुश होकर के बाबा को याद करेंगे तब वो याद याद नहीं होगी, फिर वो एक ब्यूटीफुल जर्नी हो जाएगी, मोहब्बत जिसे बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा अपॉइंटमेंट की डायरी बनी रहे, एक एक घंटा उनका फिक्स होगा ना, तो तुम भी ऐसे ही करो। अगर हर समय अपॉइंटमेंट की डायरी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प नहीं आ पाएंगे, क्योंकि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। तो मन को किस में बिजी रखना है, अब ये भी बाबा बता रहे हैं। चार बातें बोली बाबा ने, मिलन, वर्णन, मगन और लगन। मिलन मतलब बाबा के साथ रूह रिहान। आज के वरदान में था ना कि प्रीत बुद्धि जो होगा वो एक सेकंड में स्मृति के स्विच के आधार पर आत्मिक अवस्था को प्राप्त करेगा, है ना। वर्णन में आने में यानी शब्दों में आने में तो फिर भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति, मेमोरीज, तो मेमोरीज क्रिएट पहले होती हैं, है ना, ज्ञान के आधार पर, मुरली के आधार पर, फिर वो अपने आप प्रीत में कन्वर्ट हो जाता है, मोहब्बत में। और जो दिल में होगा फिर उसको याद करने में मेहनत नहीं लगती। तो वही बाबा कह रहे हैं कि एक तो मिलन हो गया बाबा से रूह रिहान, दूसरा वर्णन हो गया, ज्ञान का वर्णन करना, दूसरों को कन्वे करना, है ना। और लगन और मगन ये दोनों आपस के भाई हैं, कि जितनी लगन होगी उतना मगन रहेंगे। लगन को इंग्लिश में कहा जाए तो इंटरेस्ट और अफेक्शन, बाबा के ज्ञान को लेकर के इंटरेस्ट, सैटिस्फैक्शन, खुशी, और बाबा के प्रति प्यार, ज्ञान और ज्ञान के सागर दोनों से मोहब्बत, और उसी में लगन भी हो और मगन, फिर एकदम इंटरेस्ट में झूमते रहना, है ना। बाबा कहते हैं कि अपॉइंटमेंट फिक्स करो तो तुम्हारी सारे व्यर्थ का जो संकल्प का एक कंप्लेन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आज की मुरली का सार है। ओम शांति।